चटनी। चटनी हम बना रहे हैं दो किस्म की, जो कि सर्व होती है मसाला डोसा के साथ। एक तो होती है रेड चटनी और दूसरी होती है ग्रीन कोकोनट चटनी। अच्छा, ग्रीन कोकोनट चटनी को आप चाहें तो आप प्लेन कोकोनट पे भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो आप उसको ग्रीन नहीं बना सकते हैं। मुझे हरे धनिया पुदीने के साथ पसंद है तो मैं उस तरह से बना रही हूँ। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, साथ साथ मैं बना भी रही हूँ। सबसे पहले स्टोव ऑन कर लेते हैं और अराउंड टेबल स्पून ऑयल। जस्ट अ टेबल स्पून ऑयल, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। अच्छा, इसमें हम जो है वो फ्रेश कोकोनट यूज़ करते हैं। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट अवेलेबल नहीं है, अगर तो इजीली मार्केट में मिल जाता है। अच्छा, फ्रेश कोकोनट की अगर चटनी हम बनाएं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, यानी कि आप उसको आज बना रहे हैं तो आप उसको आज ही यूज़ करें। लेकिन अगर आप ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट ले लेते हैं तो इसको आप जो है वो 2 से 3 दिन रख भी सकते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है हमारा। यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट मेरे पास है, मैं 1 कप लूँगी, उसको ही मेजर करके वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये डाल दिया मैंने इसमें और अब इसको थोड़ा सा हम सौते कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम जो है वो सौते कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और अगर थोड़ी बहुत नमी भी है हमारे कोकोनट में तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पुदीना है मेरे पास हैंडफुल, ये डाल दूँगी क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी नमी होती है, ख़राब होने का खतरा रह सकता है तो वो भी हो जाएगा। हरा धनिया है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे इसमें और इसको थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। इतना नहीं करना आपने कि बिल्कुल कलर जो है वो इसका डल हो जाए हरे धनिया और पुदीने का, जस्ट हल्का सा कि जो नमी है इसके अंदर वो थोड़ी सी कम हो जाए। और इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हैं अपने किचन में। और बस ये देखिए, जैसे ही पुदीने और हरे धनिया के पत्ते जो है वो ड्राई हुए हैं, कोकोनट ड्राई हुआ है, मैं यहाँ पे स्टोव बंद कर दूँगी और इसको मेरे पास जो मिक्सर है जिसमें मैं चटनी पीसती हूँ, मैं उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके एहतियात से हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे उसमें। ये हो गया। और इसके बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च, एक अदद छोटे साइज़ की, ज़्यादा मिर्चें नहीं चाहिए मुझे। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करें तो आप 2 भी डाल सकते हैं। अदरक है मेरे पास थोड़ी सी, वो 2-3 स्लाइस अदरक डालूँगी इसमें। और मैं इसमें फिर ऐड करूँगी, आप भुने हुए चने इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। टेबल स्पून में ले रही थी यहाँ पर अराउंड, ये देखिए 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए चने, इससे अच्छी सी बाइंडिंग आएगी इसमें। दैट्स इट। थोड़े से करी लीव्स फ्रेश ये डाल दिए इसमें, नमक हसबे जायका। खटास के लिए थोड़ी सी इसमें मैं इमली ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बिल्कुल। इमली का पल्प है यहाँ पे मेरे पास और उसके बाद पानी ताकि आसानी से पिस जाए। दैट्स इट। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। चटनी जो है वो ग्राइंड हो गई है, मैं आपके सामने इसको दिखाऊंगी, ये देखिए इस तरह से, और आपके सामने निकालूंगी कैसी गाढ़ी गाढ़ी चटनी जो है ये हमारी तैयार हुई है। ये देखिए, खुशबू ही बहुत ज़बरदस्ती आ रही है इसकी। और चटनी का प्रोसेस अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें भगार भी लगेगा। और ये देखिए, चटनी पूरी हमने निकाल ली आपके सामने। आप चाहें तो आप इसको जो है वो एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं अप टू 2-3 डेज, क्योंकि हमने इसमें फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगी यहाँ पर, ये देखिए। और अब हम इसमें भगार लगाएँगे, इसको हम साइड पर कर लेते हैं। अच्छा, भगार के लिए अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल गरम करूँगी। चलिए, ऑयल जो है हमारा गरम हो गया है। अगेन इसमें मेरे पास यहाँ पे है मस्टर्ड सीड्स, यानी कि राई दाना, वो मैं डालूँगी 1 टीस्पून, 2 से 3 साबुत सूखी गोल मिर्च और उसके बाद कड़ी पत्ता फ्रेश। करी लीव्स है मेरे पास यहाँ पे, थोड़ा सा ये गरम हो जाए, लेट इट क्रैकल अ बिट, और फिर साथ ही हम इसमें
कर देते हैं यहाँ पे हमारे करी लीव्स। अच्छा जी, ये देखें जैसे ही क्रैकल होना थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, मैं इसमें थोड़े से जो है वो भुने हुए चने भी ऐड कर दूंगी। आप बिल्कुल इसको तोड़ के थोड़ा सा डाल दीजिएगा इस तरह से। थोड़े से हमने ये भी ऐड करें हैं इसमें, ये भी थोड़े से हम इसको फ्राई कर लेते हैं। एंड दैट्स इट, भगार जो है वो रेडी है। डायरेक्टली हम इसको जिस बोल में हमने चटनी निकाली है उसी में डायरेक्ट इसको हम डाल देंगे। और इसको हम चला लेंगे अच्छे से ऊपर नीचे। दैट्स इट, हमारी डोसे के साथ सर्व करने वाली ग्रीन चटनी इज डन। अब हम बनाएंगे सेकंड चटनी जो कि है रेड चटनी। अब हम बना रहे हैं रेड चटनी। ग्रीन चटनी कोकोनट वाली हम बना चुके हैं। रेड चटनी के लिए अगेन यहाँ पे मैं एक पैन गरम कर लेती हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल। थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा, ये हमने ऐड किया। इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे सफ़ेद तिल अराउंड अ टेबल स्पून, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज, एक छोटी बिल्कुल छोटी साइज़ की प्याज ले लीजिए, या फिर अगर मीडियम साइज़ की है तो आधी ले लीजिए। ये क्रैकल थोड़े से हो जाए फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हम खाली इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि हल्का सा जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाए। जी अब मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको हम चला लेंगे। मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून, यानी कि राई दाना, और थोड़ा सा हम इसको बस चला लेंगे। आप देखिए प्याज ने जो है वो कलर चेंज कर लिया है, प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है। दैट्स इट, और अब इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सर में जिसमें हम चटनी पीसेंगे। दैट्स इट, ये हो गया। और इसी के साथ ही मैं अगेन इसमें ऐड करूँगी कोकोनट डेसिकेटेड जो मेरे पास है, यानी कि कोकोनट पाउडर 1 कप, ये गया इसमें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मोटी वाली जो कश्मीरी मिर्च होती हैं लंबी वाली, वो मैंने जो है वो पानी में डिप करके रखी थी, बहुत बड़े साइज़ की थी तो मैंने 3 ली थी, वो पानी में डिप करके रखी हुई थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारी। ये गई और ये भी चली गई, ये गई। अच्छा जी, इसके साथ ही इसमें मेरे पास है यहाँ पे 3 अदद गार्लिक क्लोव्स हैं मेरे पास, यानी कि 3 जवे लहसुन के, एक मोटा है तो मैं 3 ले रही हूँ, बहुत छोटे हैं तो आप जो है वो 2 ले, 3 ले लें, 4 ले लें, सही है जनाब। ये हो गया। इसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे कड़ी लीव्स काफ़ी सारे फ्रेश बंच है, हो जाएगा इसमें थोड़े ज़्यादा, इसकी खुशबू आएगी। उसके बाद खटास के लिए इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प जो मैंने बना के रखा हुआ था, 1 टेबल स्पून हो जाएगा इसमें। भुने हुए चने अगेन 1 टेबल स्पून, ये हो गया। नमक हसबे जायका, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ताकि ग्राइंडिंग में आसानी हो जाए। और इसके बाद अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। जी जनाब, देखिए रेड चटनी भी जो है वो तैयार हो गई है, अच्छे से ग्राइंड हो गई है। देखें क्या खूबसूरत सा कलर आया है इसका। इसको भी हम निकाल लेते हैं एक बोल में, और ये देखिए तेज़ी आ रही है मिर्चों की फुल खुशबू और ज़बरदस्त सी, क्या बात है। ये देखिए, ये भी तैयार है हमारी चटनी। ये
इसको भी आप चाहें तो आप कंटेनर में जो है वो स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इन्जॉय कर सकते हैं। और चटनी भी रेडी हो चुकी है, मसाला भी रेडी है, दोनों चटनियाँ रेडी हैं और ये देखिए आपके सामने तैयार हैं दो दो चटनियाँ जो हैं वो कोकोनट की, जो है एक रेड चटनी एक ग्रीन चटनी, दोनों रेडी हैं। आप इसको खाएं, सर्व करें, तो खाने का तरीका ही ऐसा है कि इसमें जो पूरी फिलिंग होती है अंदर आलू की, आप आलू के साथ उसको लें और ये देखें यहाँ पर ये फिलिंग है इस तरह से और फुली क्रिस्पी क्रिस्पी सा, और जो चटनी आपको अच्छी लगे उसके साथ, मैं दोनों चटनियाँ मिक्स करके खा रही हूँ, आपको जो अच्छी लगे उन दोनों में से आप खा सकते हैं उसके साथ। और ज़बरदस्त, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है, चटनियों के साथ ही मज़ा आ रहा है और दोनों चटनियाँ जो है ना अपना अपना अलग फ्लेवर दे रही हैं, बहुत ही मज़े का है। मैं इसको खाना स्टार्ट कर रही हूँ, आप क्या करेंगे, आपने ट्राई करना है ज़रूर हमारी रेसिपी को अपने घर पे और फिर हमें आप बताएंगे कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी और क्या फरमाइश है आपकी जो आप चाहते हैं कि हम आपको बनाना सिखाएं, हमें बताइए, हम ट्राई करेंगे कि हम ज़रूर पूरी करें जो भी आप चाहते हैं। इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन ईट गुड एंड फील गुड।